नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिद्धमान, आप देख रहे हैं ऑटो तत्व। अब पिछले दिनों फेस्टिव सीजन था तो आप में से कई लोगों ने मुझे मैसेज किया कि भाई हमें नई कार लेनी है। कुछ फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स में भी लोग थे जिनको नई कार लेनी थी एंड आप में से कई लोग थे जिनको एक एंट्री लेवल हैचबैक कार लेनी थी। एंट्री लेवल एग्जैक्टली एंट्री लेवल नहीं, बट जो एक और सेगमेंट ऊपर आती है उन कार्स के बारे में जो है ज़्यादातर लोग चर्चा कर रहे थे। एंड दो कार्स का नाम अक्सर मेरे सामने निकल के आ रहा था, एक टाटा टियागो एंड ह्युंडई सैंट्रो। वैसे तो देखो मैंने इन दोनों ही कार्स के बारे में जो है ऑलरेडी पहले कंपैरिजन कर रखा है एंड दोनों ही कार्स के जो डिटेल्ड रिव्यूज़ हैं वो भी मेरे चैनल पे लाइव जा चुके हैं। तो अगर आपको इन दोनों ही कार्स के बारे में डिटेल में जानना है, एक एक चीज़ जानना है हर एक पॉइंट के बारे में, तो आप उन दोनों कार्स का रिव्यू जो है चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आज इस कंपैरिजन में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर इन दोनों कार्स को हम कंपेयर करते हैं तो आपके लिए कौन सा कार जो है एक बेटर वैल्यू फॉर मनी डील होने वाला है। दोनों ही कार्स को जो है यहाँ पे ग्लोबल एनकैप ने टेस्ट किया है। टाटा टियागो को मिले हैं 4-स्टार रेटिंग और ह्युंडई सैंट्रो को मिले हैं 2-स्टार। अब अगर यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताऊँ कि टाटा टियागो को बेसिकली क्रैश टेस्ट नहीं किया गया था, लेटेस्ट वाले टियागो को, बट टाटा टिगोर को ग्लोबल एनकैप ने टेस्ट किया था और हायर स्पेक वेरियंट में टेस्ट किया था। और क्योंकि टाटा टियागो एंड टिगोर का अंडरपिनिंग सेम है, बस एक उसी का कॉम्पैक्ट सेडान वेरियंट है, तो इस वजह से दोनों ही कार्स को जो है रेटिंग सेम दिए गए हैं। वो अगर हम बात करते हैं ह्युंडई सैंट्रो की, तो सैंट्रो को भी 2-स्टार रेटिंग मिले हैं, जो कि बहुत ज्यादा कुछ अच्छा रेटिंग तो डेफिनेटली नहीं है, स्पेशली अगर आप कंपेयर करते हैं टाटा टियागो से। फिर भी मैं दोनों कार्स के टेस्ट रिपोर्ट्स को थोड़े से और डिटेल में डिस्कस करना चाहूंगा ताकि आप लोगों को एक ब्रीफ आइडिया मिल जाए दोनों ही कार्स के सेफ्टी के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहां पे ह्युंडई सैंट्रो की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया ह्युंडई सैंट्रो को ओवरऑल 2-स्टार रेटिंग मिले हैं, एडल्ट ऑक्यूपेंसी में भी 2-स्टार मिले हैं और चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में भी 2-स्टार यहां पे दिए गए हैं। जो हेड एंड नेक प्रोटेक्शन है वो सैंट्रो में आपको अच्छा मिल जाता है। चेस्ट प्रोटेक्शन जो है वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, वीक ही माना जाएगा। एंड जो ड्राइवर चेस्ट प्रोटेक्शन है उसको मार्जिनल दिया गया है। टियागो को मिले हैं यहाँ पे 4-स्टार रेटिंग। ड्राइवर एंड पैसेंजर हेड एंड नेक सेफ्टी जो है टियागो को गुड मिले हैं और सैंट्रो को भी जो है इसमें गुड ही मिला था। ड्राइवर चेस्ट अगेन इसमें भी मार्जिनल है और पैसेंजर चेस्ट प्रोटेक्शन जो है वो एडिक्वेट है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं दोनों ही कार्स के बॉडी शेल की, तो दोनों ही कार्स के जो बॉडी शेल है उनको अनस्टेबल करार दिया गया था फ्रॉम ग्लोबल एनकैप, क्योंकि इससे ज्यादा फर्दर लोड जो है दोनों ही कार्स के बॉडी शेल बेयर नहीं कर सकते थे। तो ऑल इन ऑल अगर आप देखें तो डेफिनेटली टेस्टिंग के बाद टियागो को जो है वो बेटर सेफ्टी रेटिंग मिली है और सैंट्रो की अगर बात की जाए तो उसको सिर्फ 2-स्टार मिले हैं। इसी के साथ एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने पूरे कार सेफ्टी के बारे में ना डिटेल में कई सारे वीडियोस बनाए हैं। अभी रिसेंटली मैंने क्रैश टेस्ट को भी बिल्कुल डिटेल में आपको समझाया था, तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप जाकर उन वीडियोस को जरूर चेकआउट करें। ऊपर कार्ड्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अगर आपको क्रैश टेस्ट के बारे में, कार सेफ्टी के बारे में डिटेल में जानना है, थोड़ी टेक्निकल साइड्स जाननी है, कुछ सारे मिथ जो हम देखते हैं मार्केट में उनके बारे में भी जानना है, तो प्लीज़ आप उन वीडियोस को ज़रूर चेकआउट करें। कोई भी सवाल हो, कोई भी सुझाव हो, तो आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइए या नीचे इस वीडियो के भी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर दे सकते हैं। डिज़ाइन में हम यहाँ पे क्या बात कर सकते हैं, मतलब डिज़ाइन में अगर मैं क्लियरली बताऊँ तो यहाँ पे टियागो ही विनर है। किसी भी एंगल से देखो टियागो बहुत ज़्यादा प्रीमियम कार लगती है। सैंट्रो जो है वही टॉल बॉय डिज़ाइन पे बेस्ड, और मैंने पहले भी कहा था मुझे ओल्डर जनरेशन आइटम से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लगती है। अट्रैक्टिवनेस की अगर बात करोगे तो डेफिनेटली यहाँ पे टियागो जो है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है। अलॉय व्हील के डिज़ाइन वगैरह की बात करो, हर तरीके से जो है टियागो एक बेटर लुकिंग कार लगती है। बाकी फिर भी डिज़ाइन एक सब्जेक्टिव मैटर है, जो मुझे कार अच्छी लग रही है ज़रूरी नहीं है कि आपको भी वही सेम डिज़ाइन अच्छी लगे। तो आपको टियागो या सैंट्रो कौन सा डिज़ाइन ज़्यादा बेहतर लग रहा है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। दोनों ही कार्स के जो इंटीरियर हैं वो एक काफ़ी डिफरेंट काइंड ऑफ डिज़ाइन के साथ आते हैं। जहाँ टियागो आपको ज़्यादा स्पोर्टी लगेगी, वही सैंट्रो का जो इंटीरियर है वो आपको थोड़ा और ज़्यादा प्लशनेस की तरफ लगेगा, थोड़ी लेटसर स्पोर्टी आपको लगेगी अगर आप वो ग्रीन कलर नहीं लेते हो। उसके अलावा सब में जो है बीज एंड ब्लैक का आपको इंटीरियर मिलेगा। बीज एंड ब्लैक के सैंट्रो के इंटीरियर से फायदा यह हो जाता है कि जो कैबिन का एयरिनेस है वो थोड़ा ज्यादा लगने लगता है। और अगर मैं फिटिंग फिनिश लेवल्स की बात करूं, प्लास्टिक क्वालिटी की बात करूं, तो नो डाउट यहाँ पे सैंट्रो जो है वो ज्यादा बेटर फिटिंग फिनिश के साथ आता है। लेकिन जहां पे टियागो जो है एक ज्यादा बेटर इंटीरियर निकल के आता है, नंबर वन वो है एर्गोनॉमिक्स। जी हाँ, फिट एंड फिनिश एंड प्लास्टिक क्वालिटी में स्लाइट मार्जिन से सैंट्रो अच्छी जरूर है, लेकिन अगर आप एर्गोनॉमिक्स की बात करते हैं
हो तो यहाँ पे क्लियरली टाटा टियागो जो है वो विनर है। साथ में अगर हम सीट्स वगैरह की भी बात करते हैं तो फ्रंट सीट्स में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, सैंट्रो के सीट्स के कंफर्ट में कोई कमी नहीं है, इस चीज़ को मैं डिनाई नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप ओवरऑल इंटीरियर में रेटिंग देने कहें तो फिट एंड फिनिश वाइज मैं कहूँगा सैंट्रो ज़्यादा बेटर है, प्लास्टिक क्वालिटी वाइज सैंट्रो ज़्यादा बेटर है, लेकिन आर्गोनॉमिक्स एंड ओवरऑल जो एक फील है वो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा स्पोर्टियर लगेगा इन दी न्यू टाटा टियागो। स्पेस की अगर हम बात करते हैं तो टियागो जो है कुछ मामलों में ज़्यादा बड़ी है स्लाइट मार्जिन से फ्रॉम दी सैंट्रो, लेकिन अगर हम हेडरूम की बात करते हैं तो क्योंकि टॉल बॉय डिज़ाइन पे बेस्ड है सैंट्रो, तो आपको एक एयरीनेस और जो हेडरूम वगैरह है वो आपको ज़्यादा बेटर मिलेगी इन दी ह्युंडई सैंट्रो। सीटिंग कंफर्ट वाइज मुझे सैंट्रो का रेयर सीट काफ़ी अच्छा लगा, रिक्लाइन एंगल थोड़ा ज़्यादा है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि रेयर एसी वेंट वगैरह है तो जो रेयर सीट का कंफर्ट है वो स्लाइट मार्जिन से सैंट्रो में ज़्यादा अच्छा लगेगा। फीचर वाइज दोनों ही कार जो हैं बहुत ही अच्छे तरीके से लोडेड हैं, लेकिन यहाँ पे स्लाइट मार्जिन से टियागो जो है वो विनर बन जाता है। कैसे? आपको एक फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा, ऑटोमेटिक एसी मिल जाता है, हाइट एडजस्टेबल सीट मिल जाते हैं, कूल्ड ग्लोव बॉक्स मिल जाता है, तो ये सारे बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, ऑटो फोल्डिंग ORVM भी आपको मिल जाता है, तो ये कुछ सारी चीज़ें हैं जो आपको टियागो में क्लियरली ज़्यादा मिलते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं दोनों ही कार्स के इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो इंफोटेनमेंट दोनों में ही आपको टच स्क्रीन मिलते हैं जिसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले का सपोर्ट मिल जाता है। स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स भी आपको दोनों कार्स में मिल जाते हैं और जो टच स्क्रीन का रिस्पॉन्स है वो डेफिनेटली ज़्यादा अच्छा है इन दी न्यू ह्युंडई सैंट्रो, बिकॉज ह्युंडई सैंट्रो का जो UI है, जो रिस्पॉन्स है, वो सभी चीज़ें जो हैं काफ़ी बेहतर है वैन कम्पेयर टू दी टाटा टियागो। टाटा टियागो में UI में मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं है, UI काफ़ी ईजी टू नेविगेट है, लेकिन जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो डेफिनेटली थोड़ा सा पुअर है इन दी टाटा टियागो। और जहाँ पर टाटा टियागो बिल्कुल क्लियरली विनर होके आती है तो वो है उसका म्यूजिक सिस्टम। म्यूजिक सिस्टम जो है टाटा में आता है हार्मन की तरफ से, और जो हार्मन ट्यून्ड अकूस्टिक्स हैं वो बेहतरीन साउंड क्वालिटी देते हैं। ह्युंडई सैंट्रो जो है इस सेगमेंट में दूसरे नंबर पे आएगा अगर हम बात करेंगे इन कैबिन स्पीकर्स की, लेकिन टाटा टियागो का इसमें मतलब कोई भी तोड़ नहीं है। टाटा टियागो अभी करेंटली मेरे हिसाब से बेस्ट है। सैंट्रो में आपको 1.1 लीटर का एप्सिलॉन MPI पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है जो ऑलमोस्ट अराउंड 69 PS की ताकत और 99 न्यूटन मीटर का टॉर्क रिटर्न करती है। दोनों ही कार्स जो है 5 स्पीड मैनुअल गेयरबॉक्स के साथ आते हैं और AMT का भी ऑप्शन आपको दोनों ही कार्स में देखने को मिल जाता है। टियागो में वही अगर हम बात करते हैं तो 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर रेवोट्रॉन इंजन देखने को मिलता है, 86 PS की ताकत और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क रिटर्न करती है। क्लियरली यहाँ पर टियागो जो है परफॉर्मेंस वाइज ऑन पेपर जो है विन करती है, एंड ऑन रोड भी जो है आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर मिलती है इन दी न्यू टाटा टियागो। हालांकि NVH लेवल की बात की जाए तो यहाँ पे डेफिनेटली सैंट्रो जो है वो अभी भी ज़्यादा बेटर कार है। स्टेबिलिटी की बात करते हो तो कहीं ना कहीं सैंट्रो से ज़्यादा बेटर कार निकल के आती है दी न्यू टाटा टियागो। अगर आप AMT गेयरबॉक्स की बात करते हो तो यहाँ पे टाटा की जो AMT गेयरबॉक्स है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी और रिफाइनमेंट की ज़रूरत है। सैंट्रो का AMT गेयरबॉक्स मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही सीमलेस है, बहुत ही अच्छा एक फील आता है। जो जर्किनेस है AMT का वो है दोनों ही कार्स में, बट सैंट्रो में काफ़ी ज़्यादा वेल कंटेंट है। तो यस, आई वुड से अगर आप AMT वाइज देखते हो सिर्फ और सिर्फ गेयरबॉक्स की बात करते हो तो आपको सैंट्रो का ज़्यादा अच्छा लगेगा, बट ऑल इन ऑल जैसा कि मैंने आपको बताया टियागो जो है वो एक ज़्यादा बेहतर परफॉर्मर है। दोनों ही कार्स का जो बेस मॉडल है यानी कि सैंट्रो एरा एक्सक्लूसिव और जी टाटा टियागो XE है, दोनों ही कार्स के जो ऑन रोड प्राइसिंग है वो बिल्कुल सेम है, 5.2 या 5.22 लाख के बीच में जो है आपको मिल जाता है। एक चीज़ मैं यहाँ पे कह दूँ वरना फिर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि भाई ये प्राइसिंग गलत है, आपके एरिया, आपके स्टेट, आपके सिटी में जो है प्राइसिंग या ऑन रोड प्राइसिंग अलग हो सकती है। एक शोरूम प्राइस के बाद टैक्सेस वगैरह लगने के बाद ऑन रोड प्राइसिंग जो है वो अलग निकल के आ सकती है आपके स्टेट में। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ दिल्ली की, तो फिर भी मैं आपको यही कहूँगा कि आप जाके एक बार जो है अपने नियरेस्ट डीलरशिप से चेक कर लें। तो प्राइसिंग की जहाँ तक बात करते हैं, एक शोरूम प्राइस जो है दोनों ही कार्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बेस मॉडल का। सैंट्रो एरा आता है 4.63 लाख के बेस प्राइस पे और जो टाटा टियागो XE है वो आता है 4.7 लाख के एक शोरूम प्राइस पे। ऑन रोड प्राइस दोनों ही कार्स का जो बिल्कुल सिमिलर निकल के आता है। बाकी जो प्राइसिंग है आप क्लियरली देख सकते हैं कि सैंट्रो से टियागो जो है स्लाइटली ज्यादा प्राइसियर आती है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो भी 15-10 हजार से लेके 20-25 हजार तक का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है
उस चीज में मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि क्लियरली आपको टियागो जो है एक ज्यादा वेल राउंडेड पैकेज भी मिल रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं आफ्टर सेल्स और रीसेल वैल्यू की, तो यहाँ पे आफ्टर सेल्स जो है क्लियरली आज के डे एंड एज में जो है ह्यूंडई का ज्यादा बेटर है फ्रॉम दी टाटा। टाटा ने जो है अपने आफ्टर सेल्स के पे अच्छा काम कर रही है, आगे आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट करते हैं कि वो और बेटर होगी। बट ओवरऑल अगर आप कंपेयर करोगे टाटा एंड ह्यूंडई के आफ्टर सेल्स को, वाइड नेटवर्क वगैरह को, तो वहां पे ह्यूंडई जो है एक क्लियर एडवांटेज पे रहती है। और उसी के साथ जो है आपको एक क्लियर एडवांटेज मिल जाता है रीसेल वैल्यू में भी। सेंट्रो को अगर बेचने जाओगे तो शायद आपको कुछ मार्जिन से ज्यादा बेटर रीसेल वैल्यू मिल जाएगी टाटा टियागो पे। बट दैट्स इट, इस कंपैरिजन के अगर मैं क्लियर कट विनर की बात करूं तो मेरे ओपिनियन में वो टाटा टियागो ही है, चाहे डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इंटीरियर्स की बात करें, या ओवरऑल इंजन एंड परफॉर्मेंस की। माइलेज वाइज दोनों ही कार जो बिल्कुल काइंड ऑफ सिमिलर माइलेज ही आपको रिटर्न कर देते हैं। इसके अलावा मैं सोच रहा हूं कि ग्रैंड आई 10 नियोस और टियागो का भी एक कंपैरिजन कर लूं। क्या आप देखना चाहोगे मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार बता दो, तो फिर मैं अगेन, क्योंकि दोनों ही कार्स का अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर रखा है, तो एक कंपैरिजन इन दोनों कार्स का भी मैं कर दूंगा। विद दैट सेड गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलूंगा, अगर आपको लगा कि ये वीडियो अच्छा है तो लाइक कर दें। आप आगे चल के और भी ज्यादा वीडियोस मेरे देखना चाहेंगे तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड विद दैट सेड गाइस, जान से पहले जैसा मैं हमेशा कहता हूं, ऑलवेज ऑसम, सी दिस ऑन ड्राइव एंड ऑलवेज वेयर प्रोटेक्टिव गेयर्स एंड हेलमेट फेलो राइट। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल्स।